विकी कौशल की लगातार दोनों मूवी को ऑडियंस की तरफ से बहुत अच्छी रेस्पॉन्स मिली है। अब उनकी और एक मूवी आ रही है द ग्रेट इंडियन फैमिली, इसकी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में विकी कौशल के साथ मानुषी लीड रोल में नजर आ रही है। इससे आपको तो पता ही होगा मानुषी कौन है, वो 2017 में मिस वर्ल्ड की विनर रह चुकी है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है जिसके डायरेक्टर है विजय कृष्णा आचार्य। बाकी ट्रेलर की तो लगभग 2 मिनट की ट्रेलर है जिससे देखकर स्टोरी के बारे में अंदाजा लग ही जाता है। ट्रेलर की शुरुआत होती है विकी कौशल से जो इस बार अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि वो बलरामपुर के पंडितों की फैमिली से है और उनका नाम है भजन कुमार और देव व्यास त्रिपाठी। नाम सुन के आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि वो क्या करते हैं। भजन कुमार भजन भी करते हैं और पूजा पाठ भी। बलरामपुर में हर कोई पूजा पाठ भजन कीर्तन करवाना है तो उन्हें ही बुलाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि भजन कुमार को एक लड़की से प्यार हो जाता है यानी मानुषी से, जिसके बाद दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है मगर ज्यादा देर तक नहीं। ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक लेटर में लिखा होता है कि भजन कुमार मुसलमान है। उसके बाद भजन कुमार की जिंदगी ही बदल जाती है और हर किसी को पता चल जाता है कि भजन कुमार मुसलमान है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ लोग भजन कुमार को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और एक सीन में देखने को मिलता है कि कुछ लोग मोर्चा लेके निकले हैं भजन कुमार के खिलाफ, जिसे देख के लगता है कि ये इंट्रोवर्ट के बाद का सीन होगा। जब ये पता लगाया जाएगा कि भजन कुमार हिंदू है या मुसलमान, उसके बाद हमें एक इमोशनल रोलर कोस्टर देखने को मिलता है जिसमें भजन कुमार को घर से निकाल दिया जाता है। ट्रेलर काफी अच्छी और प्रॉमिसिंग नजर आ रही है और हर बार की तरह इस बार भी विकी कौशल अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते दिख रहे हैं और साइड एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है। ट्रेलर में जो गाने सुनने को मिलते हैं वो भी अच्छी है, मगर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है लास्ट के 15 सेकंड, जिससे ये पता चलता है कि ये मूवी फर्स्ट हाफ में कॉमेडी को टारगेट करने वाली है और दूसरे हाफ में ड्रामा और इमोशन सीन को लेके चलने वाली है। ओवरऑल ट्रेलर ने तो अपना काम कर लिया, अब इंतजार है फिल्म का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।